विश्व के प्रमुख महाद्वीपीय रेल मार्ग में आज हमारा टॉपिक है 8 नंबर पे ऑस्ट्रेलियन अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग। ऑस्ट्रेलियन अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग ये भी एक महत्वपूर्ण रेल मार्ग है जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये रेल मार्ग 3586 किमी लंबा है जो दक्षिणी सीमा के निकट है, यानी जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसकी दक्षिणी सीमा ये है, तो उसके समानांतर चलता है ये रेल मार्ग, तो दक्षिण सीमा के निकट है। सिडनी से पर्थ को मिलाने का कार्य करता है ये रेल मार्ग। ऑस्ट्रेलियन अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग सिडनी और पर्थ को मिलाने का कार्य करता है। देखिए सिडनी हमने पढ़ी थी कनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग के अंतर्गत भी पढ़ी हमने, कनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग के अंतर पड़ी, तब मैंने आपसे कहा था कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भी आएगी और इसमें भी आएगी। तो सिडनी पूछे आपसे तो सिडनी कहाँ बननी है, आपको ऑस्ट्रेलिया में बननी है यहाँ पर सिडनी। और अगर कनाडा महाद्वीप कनाडा देश या उत्तरी अमेरिका में पूछे तब वहाँ पर बननी है आपको, वरना सिडनी कहाँ बननी है ऑस्ट्रेलिया में। तो इसकी शुरुआत होती है सिडनी से, सिडनी के बाद पार्क्स, फिर रोटा नगर आता है, इसका एक महत्वपूर्ण नगर है। ब्रोकन हिल्स होते हुए पोर्ट पीरी होते हुए ये आगे बढ़ता है रेल मार्ग और पोर्ट अगस्ता तक जाता है। पोर्ट अगस्ता के बाद में ये धीरे धीरे दक्षिणी सीमा से थोड़ी दूरी बनाने लगता है, यानी ऊपर की ओर जाने लगता है, और फॉरेस्ट तक जाते जाते फिर ये वापस नीचे झुकने लगता है। और कालगुल्डी और कुलगाड़ी दो खाने मशहूर सोने की खाने हैं, ये स्वर्ण खाने हैं ये, तो उनको जोड़ने का कार्य करता है। दोनों क्या है स्वर्ण खाने हैं मशहूर है और पर्थ से जाकर मिलता है। अब आपसे इसकी विशेषताएं पूछी जाए या आपसे कहा जाए एग्जाम में कि ऑस्ट्रेलियन अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग अंकित कीजिए मानचित्र में, तो आप पर्थ से सिडनी भरोगे पहले, फिर उसके बीच कालगुल्ली फॉरेस्ट पोर्ट पीरी या रोटा ये दो चार नगर याद रख लोगे। या आपसे पूछा जा सकता है निम्न शहरों को मानचित्र विश्व के मानचित्र में अंकित कीजिए, पोर्ट पीरी पूछ ले, पोर्ट अगस्ता पूछ ले, पर्थ पूछ ले, सिडनी पूछ ले, कुछ भी पूछ सकते हैं। दूसरा आपसे पूछ लिया जाए ऑस्ट्रेलियन अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग की विशेषताएं बताइए, तो आप विशेषताएं बता सकते हो। ऑस्ट्रेलिया अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, यह 3586 किमी लंबा है जो दक्षिण सीमा के निकट है, पर्थ से सिडनी को मिलाने का कार्य करता है। इसके पश्चिमी छोर पर हिंद महासागर स्थित है, पूर्वी छोर पर इसके तिस्मान सागर न्यूजीलैंड, कोरल सागर ऊपर तिमोर सागर स्थित है, और इसके बीच के आप नगर याद रख सकते हो। तो इस प्रकार इसका वर्णन आप कर सकते हो। आगे हमारा है टॉपिक 9 नंबर का केप काहिरा और अंतिम रेल मार्ग है। केप काहिरा रेल मार्ग कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में ये मिस्र और सूडान देश है, ऊपर वहां से शुरुआत होती है और दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे तक ये मार्ग जाता है। अब हम इसकी विशेषता देखें तो यह 1400 किमी लंबा है, पूर्ण होने पर अभी यह अपूर्ण है, उत्तर से दक्षिण दिशा में यह रेल मार्ग है। ये पूर्ण क्यों नहीं हो रखा है, देखिए इसके बीच में यहाँ पर विक्टोरिया झील और टेगानिका झील पड़ती है, बीच और पर्वतीय क्षेत्र है और घने जंगल है, इस वजह से इसका विकास नहीं हो पाया है। मध्य भाग रेल मार्ग रहित है, घने वन व पहाड़ी क्षेत्र है, इस वजह से इसका विकास नहीं हो पाया है इस क्षेत्र में। यह पूर्ण होगा तब 1400 किमी लंबाई होगी इस रेल मार्ग की, और इसकी दिशा क्या है दक्षिण दिशा, उत्तर से दक्षिण दिशा में ये रेल मार्ग है।
तो इसको हम मानचित्र में देखते हैं। मानचित्र में यहाँ भूमध्य सागर है, इधर आया प्रायद्वीप देश है, तो इनको मिस्र देश, यहाँ पर मिस्र देश का काहिरा नगर है। काहिरा नगर से शुरुआत होती है इसकी, जो आसवान हापा खारतून और कोष्टी तक जाता है। फिर उसके बाद ये रेल मार्ग नहीं बन सका है अभी, तो ये ऊपर सूडान और मिस्र देश तक विस्तृत है। और फिर आगे ये जिम्बाब्वे से शुरुआत होती है, बुलवायो प्रिटोरियो जोहान्सबर्ग किम्बर्ले, जो स्वर्ण खादान है, एक मशहूर स्वर्ण खादान है, यानी यहाँ से सोना निकाला जाता है। केप टाउन जो एक मशहूर बंदरगाह है, केप टाउन क्या है, बंदरगाह है, यहाँ पर नगर भी है और बंदरगाह भी, जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तो केप टाउन से बुलवायो तक ये दक्षिण में है और कोस्टी से काहिरा तक ये उत्तर में है। बीच में रेल मार्ग रही है, यानी यहाँ पे रेल मार्ग बनकर तैयार नहीं हुआ है। जिस दिन बनकर तैयार हो जाएगा उस दिन ये इस क्षेत्र के आर्थिक विकास में सहायक होगा। क्यों नहीं बन सका है, क्योंकि यहाँ पर घने वन और जंगल और पर्वत स्थित है, इस वजह से ये यहाँ पर रेल मार्ग नहीं बन सका है। इसके पश्चिमी छोर पर अटलांटिक महासागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है और उत्तर में भूमध्य सागर है। तो और भूमध्य और यहाँ पर क्या है, लाल सागर है। तो ये भूमध्य सागर को हिंद महासागर से मिलाने का कार्य करता है। इस प्रकार हमारे रेल मार्ग समाप्त होते हैं। तो ये सभी रेल मार्गों की आपको प्रैक्टिस करनी है, कच्चा चित्र बना के आप